कार्तिक आर्यन की चंदू चैंपियन 12 जून को रिलीज होने वाली है, लेकिन कार्तिक आर्यन इसकी प्रमोशन कुछ अच्छी तरीके से कर नहीं पा रहा है क्योंकि अब वो भूल भुलैया 2 का शूटिंग कर रहा है। उम्मीद है कि आज या कल के अंदर इसका शूटिंग कंप्लीट कर लेंगे और फिर से वो ताबड़तोड़ प्रमोशन स्टार्ट करेंगे। भूल भुलैया 2 का शूटिंग अराउंड जुलाई के अंदर अनीस बाजमी कंप्लीट करना चाहते हैं क्योंकि ये दिवाली रिलीज है, तो उसके पहले जुलाई के अंदर इस मूवी का शूटिंग कंप्लीट करेंगे और कार्तिक आर्यन अगस्त से नेक्स्ट मूवी का शूटिंग स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट मूवी उनका है अनुराग बासु के साथ और अनुराग बासु ऑलरेडी मेट्रो इन दिनों का शूटिंग कंप्लीट कर लिया, जो मूवी इस साल के नवंबर में रिलीज होने वाली है। इस मूवी में सारा अली खान, आदित्य रॉय कपूर, के मेनन और पंकज त्रिपाठी, तो इस मूवी का शूटिंग ऑलरेडी अनुराग बासु ने कंप्लीट कर लिया। तो नेक्स्ट मूवी उनकी जो होने वाला है कार्तिक आर्यन के साथ, इस मूवी का पहले नाम था आशिकी 3, लेकिन महेश भट्ट के साथ इस बारे में बातचीत हुआ लेकिन वो दोनों एक पेज पे आ नहीं पाए। तो भूषण कुमार अब दोनों सेम जो है सेम स्टोरी के ऊपर कुछ अलग मूवी बना रहा है और इसका नाम अभी तक तय नहीं हुआ। इस मूवी में कार्तिक आर्यन के अगेंस्ट ऑपोजिट में रहने वाली है तृप्ति डिमरी और इस मूवी का शूटिंग अगस्त महीने से स्टार्ट होगा और ये मूवी सेकेंड हाफ 2025 में रिलीज होगी। तो इस मूवी के बाद अनुराग बसु किशोर, मतलब जो किशोर कुमार का बायोपिक है, उसकी शूटिंग स्टार्ट करेंगे 2025 के सेकेंड हाफ में और कार्तिक आर्यन विशाल भरद्वाज की उस्तारा मूवी का शूटिंग स्टार्ट करेंगे इस मूवी कंप्लीट होने के बाद। तो कार्तिक आर्यन के पास एक के बाद एक काम है, लेकिन एक बात, वो सिर्फ भूषण कुमार यानी टी सीरीज और साजिद नादियादवाला की प्रोडक्शन में काम करने वाले, और किसी प्रोडक्शन में अब वो काम नहीं करेंगे शायद, क्योंकि देखिए पिछले कई सालों से वो सिर्फ इन दोनों जो प्रोडक्शन हाउस है उसमें ही काम कर रहा है। ये भूषण कुमार का मूवी है जो तृप्ति डिमरी के साथ है, उसके बाद उस्ताद उस्तारा जो मूवी है वो साजिद नादियादवाला का प्रोडक्शन में, तो एक ही प्रोडक्शन में काम करे। ये जो चंदू चैंपियन मूवी आ रहा है ये भी साजिद नादियादवाला का प्रोडक्शन में और भूल भुलैया थी वो भी भूषण कुमार के प्रोडक्शन में, तो शायद उनको ऐसा लग रहा है कि ये दोनों प्रोडक्शन हाउस उनके लिए सेफ है, ये दोनों प्रोडक्शन हाउस से वो काम करके आगे बढ़ पाएंगे, तो इसमें ही काम कर रहे। तो कार्तिक आर्यन का जो चंदू चैंपियन मूवी है, इस मूवी का आज ही एक शायद गाना आने वाला है और इसका प्रमोशन बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे, शायद एक दो दिन के अंदर ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि भूल भुलैया 3 का शूटिंग कंप्लीट करने के बाद ही वो चंदू चैंपियन की मूवी का शूटिंग प्रमोशन स्टार्ट करेंगे। तो देखना ये कि तृप्ति डिमरी के साथ ये जो उनका मूवी है, ये एक्चुअली पहले नाम था आशिकी 3, लेकिन महेश भट्ट और भूषण कुमार एक जगह पे आ नहीं पाए, तो इसलिए महेश भट्ट इसमें छोड़ दिया, क्योंकि इस जो आशिक जो टाइटल है इसका पेटेंट है आपका महेश भट्ट के पास, तो इसलिए भूषण कुमार इस मूवी का टाइटल आशिकी 3 नहीं रख रहा है, कुछ अलग रखेंगे, अभी तक टाइटल अनाउंस नहीं किया गया। तो देखते आखिर में ये मूवी के द्वारा कार्तिक आर्यन के कैरियर कुछ अलग दिशा में जाता है कि नहीं, क्योंकि देखिए उनकी कैरियर एक ही ट्रैक पे जा रहे हैं, चंदू चैंपियन मूवी से कुछ ज्यादा खास उम्मीद नहीं है, तो अनुराग बासु उनसे कुछ अलग निकल पाता है या नहीं ये देखना है। तो आज के लिए इतना ही, अगर ये वीडियो आप लोगों का अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और नए नए अपडेट के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।